अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखेगा पार्ट नंबर 19 इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल पढ़ेंगे। और चूंकि इससे पहले के जो पार्ट है, जो अभी नई सीरीज शुरू की गई है ना, नई सीरीज को स्टार्ट किया पार्ट नंबर 13 से। इससे पहले के जो 12 पार्ट है उसमें भी बहुत सारे अल्फाज लिखकर आपको बताए गए, लेकिन 13 से जो नई सीरीज शुरू गई इसमें खास करके दो बातों पर फोकस किया गया, जिसमें से एक बात यह कि तीन किसी भी लफ्ज को लिखने के लिए तीन पोजीशन, यानी कि कोई हुरूफ शुरू में हो, बीच में हो या लास्ट में हो। और दूसरी बात यह कि उसकी कंडीशन है दो, यानी कि पहली कंडीशन क्या कि वो हर्फ या तो दूसरे हर्फ से मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर वो हर्फ आधा होगा या नहीं होगा। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए 13वें पार्ट से नई सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें 18वें पार्ट तक है ना, 13 से लेकर 18 तक अलीफ से लेकर या तक जो है ना 38 अल्फाबेट्स है जो उर्दू में, इसके अलावा वाले जो है वो अभी आपको मैं लिखकर बताऊंगा। तो अलीफ से लेकर या तक की जो तख्ती कंप्लीट हो गई, अब जो मुश्तक हुरूफ है जो दो हुरूफ से मिलकर बनते हैं, जैसे बे और हे मिलकर भ बनता है, वो कुछ हुरूफ इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल इस पार्ट में मैं आपको लिखकर बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी उर्दू की कोई भी किताब, उसमें तख्ती खत्म होने के बाद दो हुरूफ वाला सबक आता है ना, बे और हे मिलकर, जो चश्मे वाली हाथ है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हुरूफ जो है बनेंगे कौन कौन से हुरूफ में आपको लिखकर बताता हूं। तो देखिए, कौन सा हर्फ है बे और हे मिलकर भ, ये गोल हाथ दो हाय दो चश्मे भी कहते हैं इसको, है ना, दो चश्मे वाली हा, बे और हे मिलकर भ, इस तरह पे और हे मिलकर फ बनता है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह की शक्ल होगी, लेकिन नीचे तीन नुक्ते हो गए ना। बाद है थ, जैसे टी एच इंग्लिश में हम लिखते थ, तो दो नुक्ते ऊपर हो, ते और हे मिलकर ये थ बनता है। इसका जो तफसील में जो सबक है वो पार्ट नंबर 9 में है ना, 9 पार्ट नंबर में बता दिया गया है कौन से दो हर्फ मिलेंगे तो कौन सा नया हरूफ नया साउंड बनेगा, वो आप उसे देख लीजिए। तो देखिए, ते और हे मिलकर थ, इस तरह जीम और हे मिलकर ज, है ना, ज ज नी ज, और लास्ट में चे और हे मिलकर छ, ठीक है, जैसे सी एच, सी एच मिलकर छ बनता है ना इंग्लिश में, इस तरह जैसे इंग्लिश में सी एच मिलकर छ बनता है, इस तरह ये छ बनेगा। अब देखिए, इन हुरूफ की जो मिसाल है, यानी जब कोई लफ्ज शुरू में हो, बीच में हो या लास्ट में, वो पोजीशन और कंडीशन के साथ इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये हुरूफ फिर पूरे ही रहेंगे ना, ये हुरूफ आधे नहीं होगी, लेकिन इन हुरूफ की प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए, एक्सरसाइज के लिए ये सबक को मैंने आपके लिए बनाया, ताकि आप लोग इसकी जो प्रैक्टिस है वो करें और देखें कि कौन से हुरूफ कब कहाँ पर आते हैं, कौन सा लफ्ज बनता है, और मिसाल से समझने में आसानी होती है ना। तो तमाम की मिसाल मैं आपको लिख कर बताता हूँ। देखिए, बब शुरू में हो जब, तो कौन सा लफ्ज होगा, जैसे भारत, तो भा ये रो और ये ता, भारत इंडिया है ना, जिसको हिंदुस्तान, भारत पूरा ही रहेगा लेकिन अलिफ से मिल जाएगा, ठीक है, बाद वाले हर्फ से भी मिलता है, पहले वाले हर्फ से, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर, हम हर वक्त नहीं, भारत। इस तरह दूसरा भी लफ्ज लिख लेते हैं, भूल, है ना, बे और हा मिलकर भ, वाव और लाम, तो ये हो गया भूल। और तीसरी जो पोजीशन है कि लास्ट में हो, ठीक है, पोजीशन है जब लास्ट में हो भ, तो कौन सा लफ्ज होगा, अभी, अलीफ और ये बा और हा मिलकर भ, और उसके साथ या मिला देंगे तो भी हो जाएगा अभी, है ना। इसके बाद है फ, है ना, पे और हा मिलकर फनी, फा जो आता है वो इस तरह आता है ना, एक नुक्ते वाला, ये आप पढ़ चुके हैं फा, ठीक है, तो इसका अलग साउंड है थोड़ा, और इसमें फर्क है, फ है ये, पे और आ, तो जब हम फिर लिखते हैं तो यही लिखा जाता है, फा से नहीं बल्कि फे से, तो पे और हा मिलकर ये फ हो गया और ये रो, ठीक है, कहते हैं ना फिर, जैसा आप फिर देखना, फिर आना, वापस के लिए ये लफ्ज यूज होता है फिर। तो दूसरा लफ्ज है फल, तो फल में भी यही पे और हे मिलकर यूज होता है ना, फल, ठीक है, और बीच में आएगा तब भी इसी तरह इसकी शक्ल होगी, कोई आप लफ्ज लिख रहे हैं बीच में आए तो उसी तरह लिखना है, और अगर जब लास्ट में हो तो कौन सा लफ्ज होगा, ठीक है, वो अभी मिला नहीं, इंशाल्लाह इसी तरह इसकी शक्ल होगी। इस तरफ ते और हा मिलकर थ, ते और हे मिलकर थ, थ का साउंड होगा, तो कौन सा लफ्ज हम लिखेंगे यहाँ पर, थाल, ते और हा मिलकर था और ये लाम, थाल या थाली, है ना, थ का जो साउंड इससे आएगा, ठीक है। इस तरह ही जब बीच में हो तब भी इसी तरह होगा, और जब लास्ट में हो तीसरी पोजीशन तो कौन सा लफ्ज आएगा, साथी, सीन, अलीफ और ये ते और हा मिलकर थ और या के साथ मिला देंगे तो साथी, ठीक है, दूसरे हर्फ के साथ भी ये यूज होगा, थ का आवाज या के साथ मिला दिया तो थी, ठीक है। इसके बाद है झ, है ना, तो झ में क्या लिखेंगे, झूठ,
जीम हा और ये ट जूट है ना, बहुत सारे इसको हा बगैर लिखते हैं तो जूट में यही आएगा। ये डिक्शनरी लफ्ज है, जहां पर जीम के साथ हा यूज होगा वहां आपको यूज करना ही पड़ेगा वरना वो लफ्ज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब शुरू में हो तो कौन सा लफ्ज लिखेंगे, जूट पूरा ही रहेगा है ना, जिम आधा हो जाएगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी वो हा से मिल चुका है। जब बीच में हो तो लफ्ज लिखेंगे उलझन परेशानी है ना, अलीफ ये लाम फिर ये जीम हा और ये नून पूरा रहेगा उलझन है ना, यहाँ पर पेश लगा देना है उलझन, ये लाम उलझन परेशानी है ना। इस तरह जब लास्ट वाली जो पोजिशन है लास्ट में हो समझ तो सीन ठीक है, ये मीम और ये जीम तो पूरा ही रहेगा है ना। इस तरह लास्ट में हा सीन मीम जीम समझ कहते हैं ना, समझदार वही ज आता है, बहुत सारे इसमें भी हा नहीं लिखते समझ में, तो ये हमें याद रखना है कहाँ पर जीम हा के साथ आता है कहाँ पर सिर्फ जीम का आवाज आता है ना समझ। इस तरह इसके बाद है छ, चे और हे मिलकर जिस तरह सी एच मिलकर छ बनता है ना इंग्लिश में, तो छ तो जब शुरू में तो लफ्ज लिखेंगे हम छाता, तो देखिए ये चे और मिलकर छा अलीफ हो गया है ना, छाता ता और दो नुक्ते छाता। इस तरह जो दूसरा लफ्ज है तो जब छ बीच में हो तो कौन सा लफ्ज लिखेंगे, पूछना ठीक है, पे वाओ ये पू हो गया और ये छ पूछ ना, और चूंकि ये ऑलरेडी दो हरूफ मिल गए हैं छ आधा हो गया तो ये पूरा हर्फ जो है दो हर्फ से मिलकर मिलकर जो बना ना मुश्तक हर्फ, तो ये ऑलरेडी मुश्तक दो हरूफ है तो फिर दो हरूफ है तो आधे नहीं होंगे पूछना। इस तरह जब लास्ट में हो तो बहुत अच्छा लफ्ज है, यानी लफ्ज ही अच्छा है ठीक है, अलीफ और ये चे और हा मिलकर छ बन गया और ये अलीफ तीन नुकते हैं ना अच्छा, ये तशदीद भी आ जाएगी अच्छा ठीक है। इस तरह इसी सबक से रिलेटेड एक और लफ्ज है ना, और भी हरूफ है एक और हर्फ जो इस सीरीज में है, टे और हे मिलकर ठ है ना, तो इसकी भी शक्ल इसी तरह बस ऊपर तोया लगा देंगे है ना, ये ता के बाद लिखना था लेकिन रह गया, आइए इसको मैं लिखकर बता देता हूं। तो टे और हे मिलकर ठ, तो शुरू में हो तो कौन सा लफ्ज आएगा, ठंडा ठ नू डा ठीक है, ये ठ नून डा टे और हे मिलकर ठंडा ठीक है। और जब ठ बीच में हो, ठ शुरू में हो तो ठंडा, जब बीच में हो जैसे बैठक तो बे या और ये ठ और ये काफ ठीक है, तो आप देख सकते हैं बैठक है ना, ये तोया लगाना ही है तभी तो ठ बनेगा टे और हे मिलकर, टे का जो तोया है और हा ये दंदन होगा इसके, यानी कि ट आधा है और हा मिल गया तो ठ बन गया मेढक और ये ठंडा। इस तरह जब ठ लास्ट में उठे है ना लास्ट में हो तो कौन सा लफ्ज होगा, मीठा, तो देखिए मीम और ये या और ये ठा अलिफ ठे अलिफ यानी ठा मीठा, मीठा खाना है ना मीठा ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सबक से आपने काफी नॉलेज हासिल किया होगा, इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल इसी से रिलेटेड पार्ट नंबर 20 और इस सीरीज का लास्ट पार्ट है ना जो शुरू की गई थी पार्ट नंबर 13 से, तो 13 से लेकर 20 की जो सीरीज है वो अगर आप देखेंगे तो उर्दू लिखने में बहुत सारी आपको हेल्प होगी, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने आपको चीज़ बताई है हो सकता है किसी और ने आपको पहले बताई हो ठीक है, और ये जो मिसाल है जो एग्जाम्पल्स है वो भी ढूंढ कर रिसर्च करके लानी पड़ती है ना लिख कर बताने के लिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा 19वां पार्ट, इसमें कुछ मुश्तक हरफ हमने पढ़े बे बे है ना, बे और हा मिलकर भ फ थ ठ। अब इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल इसके बाद जो 20वां पार्ट है इसमें जो दाल और हा मिलकर ध है ना फिर ढ ये हुरूफ जो बन जाते हैं लाम और हा मिलकर ल न, ये पार्ट नंबर 20 में और ये लास्ट पार्ट होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल 21वें पार्ट से 21 पार्ट से इंशाल्लाह जो ग्रामर का जो बेसिक जो मालूमात है जानकारी है ग्रामर की वो इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल शुरू की जाएगी।